नमस्कार, मैं रितिका तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 18। आज हमारे साथ मौजूद है ऋचा जी, जो एक इंटीरियर डिजाइनर है। तो चलिए उनसे जानते हैं कि वास्तु, घर बनाने के लिए वास्तु की किन किन चीजों का हमें ध्यान देना चाहिए। नमस्कार मैम। नमस्कार। तो अगर हमें कोई घर बनाना है तो उसके लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए? देखिए, घर में हम कोशिश करते हैं कि हम स्टार्टिंग से प्लानिंग, जब हम प्लान बनाते हैं, नींव डालने से पहले ही हम वास्तु का पूरा ध्यान रखें, उसकी प्लानिंग ही हम महावास्तु के हिसाब से करते हैं। एक्चुअली वास्तु वैदिक वास्तु और एक अब अपग्रेड हो चुका है महावास्तु। जब हमारे यहाँ पहले पूर्वजों के जमाने में बहुत सारी जमीन हुआ करती थी, तो उसमें क्या होता था कि वास्तु करना हमारे लिए ईजी होता था, क्योंकि टॉयलेट्स घर से बहुत दूर हुआ करते थे। फिर वैदिक वास्तु जब आया तो हमारे यहाँ घर में टॉयलेट होने लगे। अब जब ऐसा कल्चर आ गया है कि हमारे हर रूम से अटैच एक टॉयलेट होता है, प्लस एक हमारे यहाँ पाउडर रूम होता है, कमोड जिसमें लगाई जाती है बस, तो इसके कारण हमारे घर में कई सारे टॉयलेट हो जाते हैं, जिससे हमारा घर का वास्तु खराब हो जाता है। और अब ये तो नहीं किया जा सकता है कि हम इन चीज को अवॉइड कर दें, तो वास्तु में भी अपग्रेड हुआ है, जिसे महावास्तु कहते हैं, जिसमें हम रेमेडीज कलर व्हील्स के द्वारा उसको हम बैलेंस करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है फ्लैट्स में, जैसे आपने फ्लैट लिया, उसमें वास्तु है ही नहीं, तो हम उसको कैसे बैलेंस करें? अगर सपोज अग्नि कोण में आपका किचन नहीं आ पा रहा है और आपका किचन कहीं दूसरी दिशा में, तो हम उस दिशा के हिसाब से उसका कलर कॉम्बिनेशन करके, उसमें थोड़ी सी रेमेडीज ऐड करके हम उसका वास्तु दोष को बैलेंस कर सकते हैं, ताकि वहां की एनर्जी आपकी बैलेंस बनी रहे। वास्तु क्या होता है? वास्तु एक्चुअली घर की पूरी एक एनर्जी होती है, जिसको हम दिशा के अकॉर्डिंग बैलेंस करते हैं। जैसे ये हमारा एक वास्तु का हमारा चक्र है ना, इसमें है 16 दिशाएं। हम जब प्लान बनाते हैं तो हम इसको रखते हैं कितनी डिग्री पे आपका ईस्ट आ रहा है, कितनी, कई लोग बोलते हैं हमारा घर ईस्ट फेसिंग है, लेकिन वो एग्जैक्ट ईस्ट होता नहीं है। वो हम जब हम प्लान करते हैं, हम वहां जाके देखते हैं कि आपका कितनी डिग्री पे ईस्ट आ रहा है, फिर आपके साउथ की वॉल किस तरफ गई है। कई बार ऐसा होता है कि हमने साउथ की वॉल पे पूरा ग्रीनरी कर रखा है पूरा, तो हमने उस दिशा को अनबैलेंस कर दिया, उसकी एनर्जी खराब कर दी। तो हमें उस दिशा के अकॉर्डिंग कलर, जरूरी नहीं कि हम वहाँ पूरा रेड कर दें, रेड में भी बहुत सारे चीजें होती है। फिर हम कुछ उसमें रेमेडीज यूज करते हैं, जैसे हम किस दिशा पे हमें वुल का लगाना है, किस दिशा पे हमें ऊंट की फोटो लगानी है, जिससे वो दिशाएं बैलेंस हो। तो वास्तु बहुत कारीगर होता है, मतलब बहुत कारगर काम करता है आपके घर की एनर्जीज, घर के मेंबर्स के लिए, हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, काफी चीजों में वास्तु बहुत काम करता है। और मैं इंटीरियर भी वास्तु के अकॉर्डिंग करती हूँ। मतलब कई बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि अरे नॉर्थ है कुछ नहीं, लेकिन नॉर्थ में सिर रखने का एक साइंटिफिक कारण होता है ना, उसके कारण हम जो आपने देखा होगा ज्यादातर लोगों को नाइट में हार्ट अटैक आता है ना, तो हमारी बॉडी से उसका बहुत बड़ा रिलेशन होता है, जिसके कारण बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो जाती है। और वास्तु अगर इनबैलेंस है आपके घर में, तो हेल्थ पे भी फर्क पड़ता है, वेल्थ पे भी फर्क पड़ता है, आपके घर की पूरे हर एक सदस्य को धीरे धीरे उन चीजों में एनर्जी कनेक्ट होने लगती है, और आपके घर की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो जाती है। अगर वो नेगेटिव है तो आप नेगेटिव चीजों में जाने लग जाते हैं, इसलिए घर को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। जैसा कि जो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना के उसमें लोगों को घर बेचते हैं, तो क्या वो भी वास्तु के हिसाब से होता है, या फिर उसमें कुछ मतलब बदलाव की जरूरत होती है लोगों को? कई बार ऐसा होता है कि उन बिल्डिंग्स में कहीं पे भी वास्तु होता ही नहीं है, मतलब पूरी दिशाएं अनबैलेंस होती है। लेकिन अब इसके कारण हम ये तो नहीं कर सकते कि वो बिल्डिंग तोड़वा लेंगे, ऐसा भी नहीं होता। और फ्लैट्स में सिविल वर्क से चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसकी वॉल्स काफ़ी हेवी होती है, कॉलम बहुत हेवी होते हैं, तो हम उसको, या पाइपलाइन कॉमन गई होती है फ्लैट्स में, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हम रेमेडीज द्वारा उसकी एनर्जी को ख़त्म कर सकते हैं, जहाँ वो नेगेटिव एनर्जी कर रहा है। तो कई सारी वास्तु में ऐसी रेमेडीज होती हैं जिसको हम फॉलो करके उसकी दिशा का जो नेगेटिविटी होती है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं।
तो क्या आप मतलब कुछ ऐसे रेमेडीज के बारे में बताना चाहेंगी जो घरों में मतलब ज्यादातर लोगों के घरों में वास्तु का कुछ ना कुछ दोष होता है, तो जैसे अलग अलग दिशाओं के लिए कुछ कुछ आपके पास रेमेडी होंगी, क्या उनके बारे में कुछ बताना? बिल्कुल, सारी दिशाओं के लिए और सभी चीज के लिए एक एक रेमेडीज है। मैं एक आपको कॉमन सी रेमेडी बताती हूँ। जैसे अगर अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आपका बना है तो पक्का उसको कुछ नहीं किया जा सकता, उसको डिसमेंटल ही किया जा सकता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक बहुत पवित्र कुबेर की दिशा मानी जाती है। अगर उसमें टॉयलेट आ रहा है तो वो तो आपको तोड़ना ही पड़ेगा। अगर आपकी जैसे साउथ वाली वॉल बहुत हैवी कर रखी है आपने, या उसमें बहुत ग्रीनरी लगा रखी है, या आपके घर में मैं कहूँ कि वेस्ट साउथ वाली जो कॉर्नर होता है, अगर वो वाला एरिया आपका नीचे जा रहा है, या आपका घर का पूरा साउथ ईशान कोण ईस्ट नॉर्थ ईस्ट वाला कोण ऊंचा है और वो नीचा है, तो आप उसमें एक काम कर सकते हैं आपके घर की दिशा को बैलेंस करने के लिए। आप उसमें एक सिंपल सा एक झंडा लगा दीजिए, जो कि आपकी सपोज आपके घर की आगे वाली हाइट ये हो रही है और पीछे वाली ये हो रही है साउथ वेस्ट वाली, यहाँ पे आप फ्रंट वाली के हाइट से एक ऊंचा सा एक झंडा लगा दीजिए, जिससे वो आपको बैलेंस कर देगा एनर्जी को। तो एक बहुत छोटी सी रेमेडीज होने के कारण आपके घर में काफी सारे छोटे छोटे परिवर्तन लाने से बहुत एनर्जी में फर्क पड़ जाता है। छोटी छोटी सी रेमेडीज होती हैं, लेकिन वो धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग हमारे घर में बहुत अच्छी एनर्जी क्रिएट कर देती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू।